नॉर्मल सा एक राउंड शेप बना लेंगे और उसमें एक मिडल लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना बना के इसको छोड़ दो एंड देन उसके बाद नीचे आ जाओ। सी, यहाँ पर एक छोटा सा व्हील बनाएंगे जहां पे हम ऐसे और ऐसे करेंगे। ठीक है, और आई विल टेक माय फ्लैट वो कलर। पेंटिंग कंप्लीट हो गई? हाँ, वाली कंप्लीट हो गई, मैं फोटो सेंड कर दूंगी इन वीडियो पे। ओके, तो येलो कलर जो है हमारा फर्स्ट प्राइमरी कलर है। रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है क्या? रिकॉर्ड हो रही है ना? ठीक है ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी कलर यहाँ पे हम लगा लेते हैं। ठीक है, वॉश योर ब्रश। ग्रीन जैसा लग रहा होगा बट ये लेमन येलो है। ठीक है, तो वो ऐसे ही लगेगा थोड़ा। नाउ आई विल टेक द रेड। रेड इज आवर सेकंड प्राइमरी कलर। साथ साथ कर लीजिए, इसको आप कर सकते हो या एक्रेलिक पेंट से भी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आता है ब्लू। ब्लू हमारा प्राइमरी कलर है जो कि जिससे मिल करके, तीनों कलर्स मिल करके और कलर्स बनते हैं, तो वो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। ठीक है, सो दीज थ्री कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर पैलेट इफ यू आर डूइंग दी स्किन कलर। दैट टाइम ऑल्सो यू नीड दीज कलर्स इफ यू नीड टू मेक सम बैकग्राउंड। देन ऑल्सो यू नीड दीज कलर्स बैकग्राउंड इन लाइक कहीं ना कहीं आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा मिक्स हो गया तो ये ऐसे पर्पल जैसा बन गया। खैर, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ रेड येलो एंड ब्लू। ठीक है, सो दीज ऑल आर कॉल्ड द प्राइमरी कलर्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी कलर्स एंड वी मेक दी सेकेंडरी कलर्स बाय मिक्सिंग ऑल दीज। ठीक है, यहाँ पर मैं कर करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हमने येलो लगाया, पहले यहाँ पे येलो लगाया। ठीक है, येलो लिया और साथ में रेड लिया। ठीक है, सो इफ आई मिक्स इट आई हैव टेकन द रेड कलर एंड देन ओवर इट येलो, सो इट विल टर्न एज ऑरेंज। सो क्वांटिटी टू मेक ऑरेंज कलर शुड नॉट बी लाइक, ये रेड कलर जो डार्क है ना, इट शुड बी लेस एंड येलो कलर शुड बी मोर टू क्रिएट द ऑरेंज। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी वर्मिलियन। इफ यू विल क्रिएट वर्मिलियन कलर, वर्मिलियन कलर इज अ डार्कर वर्जन ऑफ द ऑरेंज, राइट? सी, दिस इज माई ऑरेंज कलर, राइट, एंड दिस इज माई वर्मिलियन कलर। बोथ आर डिफरेंट, राइट? दिस इज डार्कर, दिस इज लाइटर, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कलर कैसे उसको बनाना। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इन दोनों को मिक्स करने से सेकेंडरी कलर। अब सेकेंडरी कलर कितने बनेंगे? तीन कलर, तो तीन कलर और बनेंगे मतलब। ठीक है, येलो एंड ब्लू लेते हैं। एंड ब्लू लेते हैं। येलो एक्स्ट्रा लेंगे थोड़ा।
ये हमारा ग्रीन बन गया, ठीक है। ओके नाउ आई विल टेक ब्लू एंड रेड। ब्लू एंड रेड, रेड लगाया, ठीक है। थोड़ा सा ही ब्लू लगाएंगे, इट विल टर्न एज पर्पल, ठीक है। वाटर कलर में आराम से बन जाता है पर्पल कलर, एक्रेलिक में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन उसको आप करते रहोगे मिक्स, देन यू कैन क्रिएट इट, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड दी सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। अब इसके बाद टर्शरी कलर्स आते हैं, इन तीनों को मिक्स कर दोगे तो कुछ ना कुछ बनते चले जाएगा। जैसे इन दोनों को मिक्स करोगे तो ब्राउन बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो कोई और कलर बन जाएगा, ठीक है। या फिर सेकेंडरी कलर लो एक और एक प्राइमरी कलर लो। तो जैसे ये दोनों कलर लिया हमने, तो ये इन दोनों को क्या मिक्स बनेगा, वर्मिलियन कलर बनेगा। इन दोनों को मिक्स करोगे तो एक दूसरा कलर बनेगा, इन दोनों को मिक्स करोगे तो और डार्कर वर्जन या लाइटर वर्जन ऑफ दिस कलर बनेगा, यानी का वो पर्पल जैसा बन जाएगा थोड़ा, ठीक है। अभी वॉयलेट है, पर्पल जैसा बनाने के लिए इन दोनों को मिक्स करो, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। आप बहुत सारे कलर्स बना सकते हो, ठीक है, एक ही कलर से, ठीक है। तो पहले यहां पर हम अपना प्राइमरी कलर लगा लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मीनिंग क्या होता है, एनीबडी नोस? कॉम्प्लीमेंट्री कलर जैसे कि जो एक साथ चलते हैं ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ है, तो उसके अंदर आपको बेज कलर की शर्ट पहननी चाहिए, या फिर व्हाइट कलर की शर्ट पहननी चाहिए, है ना। या फिर आपने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो नीचे लाइट होना चाहिए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। वैसे ही अगर हमने अपने रूम में सब कुछ व्हाइट रखा हुआ है, पूरा घर व्हाइट है हमारा, ठीक है, और व्हाइट एंड ग्रे का शेड है, तो वॉल के ऊपर किस तरह की पेंटिंग होनी चाहिए, थोड़ी कलरफुल होनी चाहिए, जिसमें वाइब्रेशन आए, थोड़ी अच्छी फीलिंग आए ना, गुड वाइब्स। तो इसी तरीके से हम पेंटिंग के अंदर कैसे कलर्स डालते हैं, कौन कौन से चूज करते हैं, कौन से कलर किनके साथ अच्छे लगेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने जो पेंटिंग किया था, इसके अंदर आप देखो कृष्णा के अंदर कर ब्लू कलर हमने यूज किया सबसे ज्यादा, तो हमने बैकग्राउंड में कलर नहीं लिया है ज्यादा, है ना। तो वो चीज हमें कॉम्प्लीमेंट कर रही है, किसके साथ, ग्रीन के साथ, ब्राउन के साथ, वो अच्छा लग रहा है उसके साथ, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा, बस आई नहीं फोन।
चल ठीक है, फ्लैट ब्रश जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो है पर्पल, ठीक है, तो पर्पल कलर इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आपके आते हैं ब्लू कलर, ठीक है, सेकेंडरी कलर, ओ सॉरी प्राइमरी कलर ही लेते हैं पहले, तो ब्लू कलर यहाँ लगा लेते हैं। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट होता है ऑरेंज, ब्लू कलर अगर आपने कुछ पहना है तो उसके साथ ऑरेंज, पेंटिंग के अंदर भी वही चीज। ठीक है, तो जो जिसके सामने है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सबको? यस मैम, यस मैम, यस कुछ मैम। है ना आप मेरे को पूछना। अब हम लगाते हैं अपना थर्ड नंबर, कौन सा आता है? रेड, ठीक है, तो रेड यहाँ लगा लेते हैं। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा ग्रीन, ये चीज पता है क्यों समझने के लिए इम्पोर्टेंट है? देखो हम पेंटिंग करते रहते हैं बट हमें उसकी नॉलेज नहीं है कि हम कौन से कलर कैसे लगा रहे हैं, पर ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप थियोरेटिकली भी उसको सीखो ना, पढ़ करके, क्लास में खुद रिसर्च करके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं करती रहती हूँ, मैं अगर फ्री बैठी हूँ ना तो मैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। इसके सामने ये आ गया, यहाँ पर कर लेती हूँ बिकॉज यहाँ पे लाइट ग्रीन आएगा ना। अभी जो हमने छोड़ा है स्पेस, उससे क्या होगा? वो हमारा डार्कर या लाइटर वर्जन बनेगा हर एक कलर का। अभी दिखाती हूँ, ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर अलग होते हैं और अपोजिट कलर अलग होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर अलग है और अपोजिट कलर्स अलग है। ठीक है, अभी बताती हूँ। देखो यहाँ इन दोनों को मिक्स करेंगी तो एक लाइटर टोन ऑफ ऑरेंज बनेगा। ठीक है, तो मेरे पास लाइटर टोन ऑलरेडी है तो वो मैं लगा लेती हूँ। येलो एंड ऑरेंज को मिक्स करोगे तो और लाइट बनेगा ना, वो कलर आ गया। नाउ वर्मिलियन कलर बनाना है तो ऑरेंज और रेड को मिक्स करेंगे तो कौन सा बनेगा? वर्मिलियन कलर। वर्मिलियन कलर भी ऑलरेडी है मेरे पास। अच्छा, ये ऑरेंज है क्या? ओके, इन दोनों को मिक्स कर दिया, रेड एंड ऑरेंज को मिक्स कर लिया तो ये थोड़ा सा डार्कर वर्जन बन गया। नाउ वी हैव दीज टू कलर्स, पर्पल एंड रेड। पर्पल एंड रेड को मिक्स करेंगे थोड़ा सा, जैसे मैजेंटा कलर होता है वैसा कलर। तो रेड ले लेते हैं पहले और उसके ऊपर पर्पल कलर लगा लूंगी। मैजेंटा जैसा कलर बनाए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पर्पल एंड ब्लू को मिक्स करने से कौन सा बनेगा? वॉयलेट बनेगा, है ना। ब्लू लगा लेते हैं पहले एंड
पर्पल कलर लगा लेते हैं बाद में। दोनों को मिक्स किया तो वॉलेट बन गया, डार्क वॉलेट जैसा होता है। अब कौन कौन सा कलर बचा हमारा? ये ग्रीन एंड येलो को मिक्स करेंगे तो लेमन ग्रीन बनेगा, ठीक है? तो लेमन ग्रीन ऑलरेडी है तो वो लगा लिया, अदरवाइज आप मिक्स करके बनाओगे। अब ग्रीन एंड ब्लू को मिक्स करेंगे तो जैसे आपने स्काई में कलर देखा होगा, एक स्काई में कलर आता है, उसका नाम होता है सियान, CYAN, सियान जैसा कलर बनता है ग्रीन एंड ब्लू को मिक्स करने से। तो पहले ग्रीन लगा लेते हैं एंड ब्लू लगा लेते हैं, ठीक है? तो ये सियान जैसा कलर बन जाता है। जस्ट लाइक इफ यू नोटिस टील ग्रीन और टील ब्लू, वैसा कुछ कलर, ठीक है? तो ये आ गए कौन से कलर्स? अपोजिट कलर्स, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। सो मैम, प्राइमरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री मिक्सिंग कलर्स विल कम इन बिटवीन, राइट? हाँ, दीज आर लाइक दिस माई येलो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, येलो रेड एंड ब्लू, ये हमारे आपके आगे प्राइमरी, जहाँ पे पी लिख रही हूँ मैं, राइट? एंड नाउ कलर्स आ गए प्राइमरी, प्राइमरी के बीच में सेकेंडरी कलर्स है, ये एस वाले सेकेंडरी कलर हो गए। दिस इज अगेन पर्पल कंटन, ठीक है? एस एस, और ये आपका एस। एस और पी को मिक्स करने से हमारे बने टर्शरी कलर, इसको आप टर्शरी मान सकते हो। ओके, सो इन बिटवीन कलर्स विद द मिक्सिंग ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. टर्शरी कलर्स। नाउ व्हाट अबाउट द ब्लैक एंड व्हाइट? ब्लैक एंड व्हाइट आर नॉट द कलर्स, दे आर द शेड्स, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ब्लैक एंड व्हाइट आर दी शेड्स, शेड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड? नाउ नाउ इफ आई मिक्स माई, फॉर एग्जाम्पल माई रेड कलर, आई एम मिक्सिंग हियर रेड एंड आई एम मिक्सिंग लिटिल बिट ऑफ ब्लैक विद इट, ओके? नाउ आई मिक्स बोथ ऑफ देम, ब्लैक एंड रेड, लेट्स सी वॉट कलर विल कम। सो दिस इज द डार्कर वर्जन ऑफ द रेड, राइट? सो आई जस्ट शो यू क्लोजली। सो दिस इज द डार्कर वर्जन ऑफ द रेड, मीन्स शेड ऑफ द रेड, राइट? इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट शेड्स इन द डार्कर वर्जन, सो आई एड ब्लैक। इफ आई वॉन्ट द कलर लाइटर, आई विल एड व्हाइट इन टू इट। फॉर एग्जाम्पल आई एम एडिंग अगेन रेड हियर एंड ओवर इट आई एम एडिंग व्हाइट, सो इट टर्न एज पिंक। सो यू कैन सी द कलर इज चेंजिंग, इट्स शेड इज चेंजिंग एंड इट्स टर्निंग एज पिंक कलर, राइट? नाउ आई हैव टू चेंज माई शीट, आई विल जस्ट ब्रिंग वन मोर शीट। नाउ वी कैन लर्न अबाउट द
two different colors. Colors are of two types. Okay. This is warm. This is cool. First one is yellow, orange, and red. Okay, these are the warm colors. And now, cool colors: blue, purple, or magenta, or violet. These will come in this cool color. Green ke all shades, olive green, light green, dark green, any green. Okay, all the green will come in this cool color. Okay, now we understand why we are calling it warm and cool. What is the difference? Now, warm colors actually gives the energy to the painting, right? For example, if I'm adding red color, I am adding orange color, and I am adding yellow color. These three colors will give the energy, enthusiasm, happiness, love, satisfaction. These colors will come and will give these feelings to the painting, right? And warm colors are opposite to the cool colors. So if we want the painting to be harmonized, means the painting should be balanced. So what we need both the colors to balance the painting. For example, we are making a portrait, and the portrait is of obviously skin color, and the girl is wearing a red color suit, or she's wearing red color sari, right? So we'll add on the opposite color of the red into the background to make the portrait balancing. Got my point? So रेड का जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो आया था कौन सा आया था, ग्रीन आया था, ठीक है? तो अगर रेड पहना है तो उसके पीछे ग्रीन आप कर सकते हो, ग्रीन के साथ थोड़ा सा टच ऑफ बर्न सिना या बर्न टम्बर कर सकते हो, राइट? अब यहाँ पे कूल कलर्स का मीनिंग क्या हुआ, शेड ऑफ ब्लू, जो भी शेड है, एनी ब्लू, एनी ग्रीन और एनी पर्पल, any violet. Okay, now these colors actually give the coolness in the painting. है ना, हमारी आंखों को क्या अच्छा लगता है, ग्रीन कलर देखना. हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम क्या अच्छा लगता है हमें, पानी देखना, ट्रीज देखना, क्लाउड देखना, ब्लू स्काई देखना, राइट? सो दीज कम इन टू द कूल कलर्स एंड वार्म कलर्स, जिसमें हमें जैसे हॉट कलर्स आप बोल सकते हो, ठीक है? हम क्लोथ्स लेते हैं समटाइम पार्टी के लिए जिसमें वार्म कलर्स होते हैं, है ना? लेकिन हम अगर कहीं किसी की शोक सभा में जा रहे हैं तो हम कूल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, वाइट, थोड़ा पीचिश या फिर थोड़ा डल कलर, राइट? है ना? तो दोनों का आपको मीनिंग अब समझ में आ गई, कहाँ पे आप ये कलर्स यूज करोगे, कहाँ पे ये कलर्स यूज करोगे. अगर बैलेंसिंग आपको करना है तो दोनों कलर आप एड ऑन कर सकते हो. सो दिस एक्चुअली इज यूजफुल फॉर दी फॉर दोज पेंटिंग्स जहाँ पे आपको एक थीम दे रहे हो, है ना? जैसे यहाँ पे हमने थीम लिया था इस पेंटिंग में, ठीक है? हालांकि हमने देख करके पेंटिंग बनाई है, बट इस आर्टिस्ट ने कंपोजिशन रखा है बैकग्राउंड का, एक बर्ड लिए, तो उससे एक थीम आप क्रिएट कर सकते हो कि इट्स लाइक अ फोकस वी कैन से, और लाइक एंजॉय योर हॉबी, है ना? क्योंकि फ्लूट बजा रहे हैं, है ना? तो आप कुछ भी थीम दे सकते हो, बट यहाँ पे मैं क्या बता रही थी, कोशिश कर रही हूँ आपको एक पूरा कंपोजिशन अच्छा है पेंटिंग के अंदर. कृष्णा बिल्कुल मिडिल में भी नहीं है, थोड़े साइड में भी है, और हमारे पास एक और सब्जेक्ट है, ठीक है? दो सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं पेंटिंग में, है ना? तो कंपोजिशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी, दूसरी पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? तो इस क्लास को करते हैं अभी एंड, एंड दोनों का फोटो एंड वीडियो आई विल सेंड इट. And I'll try to send a video and photograph. Photograph तो अभी send कर देती हूँ. Video I'll send by using the YouTube. ठीक है, आपको easy रहता है YouTube पे.
है, तो YouTube का प्राइवेट होता है, वो पब्लिक नहीं होता है, तो आपके लिए है वो वीडियो, ठीक है? चलो, एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? कुछ पूछना है पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। नो मैम, थैंक्स। यार एंजॉय करो, संडे अपना है ना, और टाइम नहीं मिले तो अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना। मैम, ओके, वेलकम, बाय बाय। बाय। ये व्हील कार्ड अपने रूम में लगा के रख लेना।